बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज इंग्लिश में। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं राज इंग्लिश YouTube चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक चैप्टर, द डचेस एंड द ज्वेलर्स। फ्रेंड्स, ये चैप्टर जो शॉर्ट स्टोरी है, ये BA Part 2 के इंग्लिश अनर्स के सिलेबस में पूछा जाता है क्वेश्चन द डचेस एंड द ज्वेलर्स के बारे में। राइट अ क्रिटिकल अप्रिशिएशन द डचेस एंड द ज्वेलर्स, इस तरह से पूछे जा सकते हैं, या राइट शॉर्ट स्टोरी द डचेस एंड द ज्वेलर्स। ये जो चैप्टर द डचेस एंड द ज्वेलर्स है, इनको लिखा गया है बाय वर्जीनिया वुल्फ। ये एक लेडी है और इस चैप्टर को उन्होंने लिखा है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इसको पूरा एनालाइज करेंगे, इसका टॉपिक जो द डचेस एंड द ज्वेलर्स, टाइटल का मतलब क्या है, इस स्टोरी में जितने सारे इंसिडेंट हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो आप बने मेरे साथ इस पूरे वीडियो में और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो टाइटल है द डचेस एंड द ज्वेलर्स, डचेस का मतलब होता है वो जो नवाब की पत्नी होती है या शासक की पत्नी, डचेस उनको बोलते हैं, शासक की पत्नी को या नवाब के पत्नी को, जिसको हम नवाबिनी भी बोल सकते हैं। और द ज्वेलर्स, जो गहने गुड़िये, जो हीरे जवरात के जो व्यापार करते हैं, उनको हम ज्वेलर्स बोलते हैं। फ्रेंड्स, इनका जो टाइटल ये सेट हुआ है इस मुद्दे पर कि ये जो डचेस, जो रानी होती हैं, वे ज्वेलर्स को लास्ट में किसी भी हालत में जो नकली हीरे मोती होते हैं, वो नकली हीरे मोती ये ज्वेलर्स से बेच लेते हैं और किसी भी तरह से वहाँ से वो निकल जाती हैं। लेकिन ज्वेलर्स को, ज्वेलर्स जो है वो डचेस की एक लड़की होती है डियाना, और उससे वो प्यार करता है, और डचेस वो विश्वास दिलाती है कि यदि आप ये हीरे मोती खरीद लेते हैं तो हम अपने जो बेटी है हमारी डियाना, हम उसे आपकी शादी करवा देंगे, उसे हम एक पार्टी में मिलवाएंगे। फ्रेंड्स, इस स्टोरी में ये मेन जो क्लाइमेक्स है यही बातें होती है, और कुछ जो जो द ज्वेलर्स हैं उनके लाइफ स्टोरी, वो कहाँ से शुरू किए थे और अब जो थे द ज्वेलर्स, वो इंग्लैंड के एकदम फेमस ज्वेलर्स में से एक बन गए हुए थे। उनकी जो बात, उनकी जो जान पहचान थी वो विदेशों में एकदम दूर दूर तक थी। फ्रेंड्स, इस तरह की कुछ बातें इसमें बताई गई है। मैं समरी शुरू करता हूँ और आपके बीच पेश करता हूँ। फ्रेंड्स, पहला लाइन है, द डचेस एंड द ज्वेलर्स इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ। यानी ये जो चैप्टर है द डचेस एंड द ज्वेलर्स, जो शॉर्ट स्टोरी है, किसके द्वारा लिखा गया है, वर्जीनिया वुल्फ, हु वॉज एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट, जो एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट थी एंड एसेइस्ट, निबंधकार भी थी, रिगार्डेड एज वन ऑफ द फॉर्मेस्ट मॉडर्निटी लिटरेरी फिगर्स ऑफ द 20th century, जिसको 20वीं सदी के आधुनिकतावादी साहित्यकारों में से एक माना जाता था। किनको? वर्जीनिया वुल्फ को। बेसाइड्स राइटिंग नॉवेल्स एंड एसे, वर्जीनिया वुल्फ ऑल्सो रोट अ नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। यानी वो जो नॉवेल्स लिखती थी, जो एसे लिखती थी, उसके अलावा भी इन्होंने अ नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, मतलब कई ऐसे शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं, और उनमें से ही एक है द डचेस एंड द ज्वेलर्स। फ्रेंड्स, अब ये स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। वंस ओलिवर बैकोन वॉज वेरी पुअर एंड लिव्ड इन अ फील्दी लिटिल एली। वो एक समय की बात है जब ओलिवर बैकन, ये जो द जो ज्वेलर्स है वो ओलिवर बैकन ही है, उसका नाम ओलिवर बैकन है, लेकिन बाद में वो जब जाकर के हीरे जवाहरात के जब वो व्यापार करने लगे, उसके बाद से वो ज्वेलर्स के नाम से जाने लगे। तो इनका नाम अभी जो है वो रियल नाम जो है ओलिवर बैकन है। तो वंस ओलिवर बैकन वॉज वेरी पुअर एंड लिव्ड इन अ फील्दी लिटिल एली। एक समय की बात है जब ओलिवर बैकन बहुत ही गरीब था, और वो एक छोटे से गंदे से गली में उनके घर थे और वहाँ पर वो रहते थे। ही वर्कड वेरी हार्ड एंड यूज्ड फेयर एंड अनफेयर मीन्स टू बिकम द रिचेस्ट ज्वेलर ऑफ द इंग्लैंड। उन्होंने कड़ी से कड़ी मेहनत की, और फेयर और अनफेयर, सही और गलत काम, उन्होंने सभी वो सही और गलत काम किए टू बिकम द रिचेस्ट ज्वेलर्स ऑफ द इंग्लैंड। वो इंग्लैंड के रिचेस्ट, सबसे अमीर ज्वेलर्स में से एक बनने के लिए उन्होंने फेयर और अनफेयर, यानी गलत सही सभी काम को उन्होंने अंजाम दिया था, वो सभी काम किए थे। ही इंजॉयड द प्रेजेंट पोजिशन। उसके बाद फ्रेंड्स, जब वो पोजीशन वो हासिल कर लिए थे, तो अपने पोजीशन को वो इंजॉय भी बहुत कर रहे थे। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन हिज प्रेजेंट एंड पास्ट पोजीशन। फ्रेंड्स, जब वो एक ज्वेलर्स, फेमस ज्वेलर्स बन गए थे, और एक समय की बात है जब वो एकदम से
छोटे से गली में रहते थे तो अभी जो थी वो एकदम बहुत ही बड़ी डिफरेंस थी उनके बीच, बहुत ही बड़ी विभिन्नता थी, क्योंकि एक ऐसा ज़माना था, एक ऐसा दिन था जो एक छोटे से गली में रहते थे, लेकिन अब वो एक जब फेमस ज्वेलर्स बन गए थे तो उसके पास अपना फ्लैट था, अपना हर चीज़ था, अपना गार्डन था। और यहाँ पर ये बताया गया है कि बहुत ग्रेट डिफरेंस था, बहुत बड़ा मतलब कि विभिन्नता था उनके पास्ट वाले लाइफ में और प्रेजेंट वाले लाइफ में। नाउ ही हैज़ बिकम सो इम्पोर्टेंट दैट इस डे ही रिसीव्स इन्विटेशन कार्ड फ्रॉम द एरिस्टोक्रेसी ऑफ द सिटी। अब वो इतना फेमस हो गया था, इतना फेमस और वो इतना इम्पोर्टेंट आदमी हो गया था कि एरिस्टोक्रेसी जो फैमिली थी, वो जो शाही परिवार के जो लोग रहते थे इंग्लैंड में, वहाँ से इनको इन्विटेशन कार्ड हर दिन एक न एक एटलीस्ट एक न एक इन्विटेशन कार्ड इनके घर पर पहुँच ही जाता था उस सिटी के, वो इतना इम्पोर्टेंट हो गए थे। ही हैज़ बिकम वेरी रिच बट ही इज सो ग्रेडी दैट ही वॉन्ट्स मोर एंड मोर वेल्थ। ही हैज़ बिकम वेरी रिच, वो बहुत अमीर बन गए हुए थे, लेकिन वो इतना लालची थे, वो इतना लालची थे कि उतना कुछ होने के बावजूद भी वो चाहते थे उसे और से और वेल्थ और से और धन हमारे पास आ जाए। आगे देखिए, हैविंग रीच्ड द हाईएस्ट पीक ऑफ द ग्लोरी एज अ ज्वेलरी। अब वो एक ज्वेलर के तौर पर एकदम से हाईएस्ट पीक पर पहुंच चुके थे, इनके मुकाबला में वहाँ के कोई ज्वेलर नहीं थे, वो सबसे टॉप पर थे और इनको शान व शौकत शोहरत सब प्राप्त हुआ था। इसके बावजूद भी ओलिवर बैकन रिफ्लेक्स लस्टली अपॉन द पास्ट। अब वो उस पोजीशन पर तो पहुंच चुके थे, लेकिन फिर भी वो लोभ भरी नज़रिए से अपने पास्ट को देखते थे कि पहले मैं कितना गरीब था, अब कितना अमीर हो गया हूँ, मेरे पास ये है वो है, उसका जो नज़रिया था उसमें भी लस्ट नज़र आ रहा था। द पास्ट रोल्स आउट डिस्टिंक्ट एंड क्लियर बिफोर हिम। उनके जो पिछले जो बुरे दिन गुजरे थे वो उनके सामने एकदम से उनके दिमाग में वो चलता रहता था और उनके सामने वो एकदम अपीयर होता था, एकदम नज़र आता था कि वो किस तरह से पास्ट में किस तरह के वो काम किए थे यहाँ तक पहुँचने के लिए। ही रिफ्लेक्ट्स टू हिज माइंड हाउ ही हैड टू पास थ्रू मैनी डिस्ट्रेसफुल स्टेजेस बिफोर ही रोज टू हिज प्रेजेंट इमिनेंस। वो अपने दिमाग में यह बातें याद कर रहा था कि वो किस तरह से बहुत ही संकटपूर्ण अवस्थाओं से गुजरा है बिफोर ही रोज टू हिज प्रेजेंट इमिनेंस। माने अब जो वो प्रसिद्धि, अब जो शोहरत उनको प्राप्त था, उससे पहले वो किस तरह के हालात से, कितने बुरे दिनों से वो गुजरे हैं, उन सभी को अपने माइंड में वो याद कर रहा था और याद करते हुए अपनी यहाँ पर कहानी बताती है शुरू से लेकर के। आगे देखिए, ही हैड क्वाइट अ हम्बल बिगनिंग। उनकी जो शुरुआत की थी अपने लाइफ में वो बिल्कुल एकदम विनम्र था। वो किस तरह से ही यूज टू स्टील एंड सेल डॉग्स। फ्रेंड्स, जब उन्होंने जब अपना कामकाज शुरू किया था तो वो शुरू में जो डॉग्स थे वहाँ के वो चोरी करते थे और बड़े बड़े फैमिली में जो डॉग्स को पालते हैं वहाँ पर वो बेचा करते थे, डॉग्स को चोरी कर करके और बड़े बड़े परिवार में वो बेचते थे। देयर आफ्टर ही सेटल्ड ऑन सेलिंग चीप वॉचेस। उसके बाद डॉग्स सेलिंग करने के बाद फिर वो एक जगह सेटल हो गए थे, अपना काउंटर खोल लिए थे और वहाँ पर चीप वॉचेस जो घड़ी थी, जो खराब किस्म की घड़ी थी, जो चीप वॉचेस थे, उनको वह बेचा करते थे। देन ही ट्रेडेड इन ज्वेल्स एंड बिकम रिच मैन। उसके बाद से उन्होंने हीरे जवाहरात के व्यापार किए और एक रिच, एक अमीर आदमी बन गए। देयर वॉज अ टाइम वेन ही वॉज अ नटी चाइल्ड। फिर वो याद करते हैं कि वो भी एक समय था जब वो एक नटी चाइल्ड था, एक नटखट बच्चा था। हिज मदर स्कॉल्डेड हिम, उसकी माँ उनको डांटा करती थी। सी हैड लिटिल होप दैट हर सन वुड मैनेज टू कार्व आउट अ कैरियर। वो डांटा करती थी, वो बहुत ही नटी बच्चा था, बहुत ही नटखट था, लेकिन उसके माँ के पास एक उम्मीद था कि उसका बेटा अपने कैरियर में कुछ कर ही लेगा, अपना कैरियर जरूर संवार लेगा, उतना उम्मीद उनके माँ के पास था। बट दैट वॉज अ फेज ऑफ लाइफ। लेकिन वो भी एक फेज था जो लाइफ की, जो कई अवस्थाएँ होती है उनमें से भी एक अवस्था था जो इनका बचपना था और वो नटी थे। हिज लाइक एंड लस्ट फॉर ज्वेल्स एंड ट्रेड इन इट चेंज्ड हिज फ्यूचर। फ्रेंड्स, उनको ज्वेल्स में बहुत ही रुचि था, वो बहुत ही लालची भी थे और उनको पसंद भी था और वो ट्रेड करना चाहते थे इसमें। वो हीरे जवाहरात के जो महंगे महंगे जो पत्थरें होती हैं उनके वो व्यापार करना चाहते थे और उन्होंने व्यापार भी किया और इनके फ्यूचर चमक गए इसी में।
ही ग्रीव रिचर एंड रिचर डे बाई डे। जब इन्होंने महंगे महंगे स्टोन्स बेचना शुरू किए तो वह दिन प्रतिदिन वह अमीर बनते गए। ही हैड सिक्स स्टील सेफ ऑल पैक्ड विथ डायमंड्स रबीज टियाराज पर्ल्स एंड एमराल्ड्स। फ्रेंड्स अब उनके पास सिक्स स्टील सेफ्स, उनके पास स्टील की छः बड़ी बड़ी तिजोरियाँ थी और उन तिजोरी में ये जो महंगे महंगे जो स्टोन थे डायमंड्स रबीज टियाराज पर्ल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सिक्स तिजोरी में इनके पूरे भरे पड़े थे, वो इतने अमीर हो गए थे। ही बिकम अ टॉक ऑफ द सिटी एंड अब्रोड। अब वो इतना फेमस भी हो गए थे कि उन सिटी में लोग उनका नाम लिया करते थे, सभी के जबान पर इनका नाम होता था और दूर दूर तक इनका शोहरत था, दूर दूर का इनका नाम दूर दूर तक इनका नाम चलता था। हैंडसम मैडम्स वेटेड फॉर हिम। वो जो हैंडसम जो कुंवारी लड़कियाँ थी वो इनके आने का इंतज़ार करती थी जब वो रोड पर चलते थे। तो अ सर्टन यंग लेडी ऑफन स्टक अ रोज एवरी डे इन हिज बटन होल। और फ्रेंड्स ये एक निश्चित था कि एक यंग लेडी, एक युवा लेडी रोज हर रोज़ इनके पॉकेट इनके जो शर्ट के जो बटन थे उनमें एक न एक गुलाब ज़रूर उसमें स्टक कर दी थी, एक न एक गुलाब उसके बटन वाले होल में ज़रूर चिपका देती थी और एक निश्चित थी वो इतना फेमस हो गए थे। वन डे द डचेस ऑफ लैम्ब्रोन केम टू सेल सम पर्ल्स। अब फ्रेंड्स यहाँ जो डचेस है जो रानी है वो लैम्ब्रोन की रानी वो आई इनके पास, चूँकि एक हीरे एक ये ज्वेलर्स थे और इनके पास वो फेक वो जाली वो घटिया हीरे मोती लेकर के आई इनके पास बेचने के लिए। दे बागेंड एंड अल्टीमेटली सी इंड्यूस्ड हिम इनटू बाइंग दोज फेक पर्ल्स वेरी क्लियरली। अब वहाँ पर आए थे ये लोग मोल मलाई भी किए, उनका कहना था कि वो 20,000 पर पाउंड वो बेचेगी और अल्टीमेटली वो बार्गेन करने के बाद अंत में सी इंड्यूस्ड हिम इनटू बाइंग दोज फेक पर्ल्स वेरी क्लियरली और उनको वो मना भी ली। वो जो डचेस आई थी वो जो लेडी आई थी इनको फेक पर्ल्स बेचने के लिए मना भी ली। वो किस तरह से, सी यूज्ड हर डॉटर डियाना एज बेट। अब उनकी जो बेटी थी डियाना वो लेडी जानती थी कि ये जो ज्वेलर्स है ओलिवर बैकन उनकी बेटी से वो बहुत ही प्यार करता था और उन्हीं का इस्तेमाल किया, उन्हीं को चारा बना करके उनका इस्तेमाल किया। वो किस तरह से, सी ऑल्सो इन्वाइटेड हीम टू द पार्टी वेयर ऑल द एरिस्टोक्रेसी वुड बी प्रेजेंट। फ्रेंड्स उन्होंने अपने लड़की का इस्तेमाल किया वहाँ पर और उनको इन्वाइट किया, ज्वेलर को इन्वाइट किया, एरिस्टोक्रेसी फैमिली की एक पार्टी होने वाली थी और वो उन्होंने बोला कि यदि यदि आप ये पल्स खरीद लेते हैं, ये मोती आप खरीद लेते हैं तो आपको मैं इन्वाइट करूँगी एक एरिस्टोक्रेसी फैमिली की एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है और मेरी बेटी भी वहाँ पर आने वाली है और जो लास्ट वीकेंड है, जो वीकेंड आने वाले हैं उस वीकेंड पर आप पूरी दिन हमारी बेटी के साथ रह सकते हैं। और इस तरह की लुभावनी बातें कर करके उनको मना लिए। ओलिवर बैकन बॉट द फेक पर्ल्स बिकॉज ही वांटेड टू अटेंड द पार्टी एंड स्पेंड द वीकेंड विथ डियाना। ओलिवर बैकन जानते थे कि ये फेक पर्ल्स है फिर भी वो खरीद लिए बिकॉज ही वांटेड टू अटेंड द पार्टी, क्योंकि उनको लालच दे दिया गया था कि वो एक एरिस्टोक्रेसी फैमिली में पार्टी होने वाली है और वहाँ पर उसको बुलाया जाएगा और इसीलिए यहाँ पर ये फेक पर्ल्स खरीदने के लिए वो राजी हो गए। ही वॉन्टेड टू अटेंड द पार्टी, वो पार्टी अटेंड करना चाहते थे किसी भी तरह से एंड स्पेंड द वीकेंड विथ डियाना और वो वीकेंड जो आने वाली थी वो डियाना के साथ किसी भी तरह से वो बिताना चाहते थे और वो लेडी यही लालच दे करके उससे फेक पल्स खरीदने के लिए मनवा ली थी। ही लाइक डियाना वेरी मच, अब ये जो ओलिवर बैकन थे वो डियाना को बहुत ही पसंद करते थे। ही साइन द चेक फॉर 20,000 pounds और उन्होंने डील भी कर ली और 20,000 के चेक भी उनको लिख करके दे दी, चेक भी काट करके उस लेडी को वे दे दिए। द डचेस टुक द चेक एंड लेफ्ट, अब वो जो रानी थी द डचेस थी वो डचेस वो चेक उठाई और वहाँ से वो चली गई। दो ही हैड बीन चीटेड एंड स्विल्डेड, हालांकि यहाँ पर उनको पता था कि जो ज्वेलर्स है ओलिवर बैकन को पता था कि उनको चीट किया गया है, उनसे ठगा गया है, येट ही वॉज सेटिस्फाइड, फिर भी वो संतुष्ट थे। वो क्यों, क्योंकि ही हैड होप्स ऑफ सीइंग डियाना एट द वीकेंड, क्योंकि उनके पास ये एक उम्मीद था कि डियाना को वो इस वीकेंड पर देखेंगे, उसके साथ पूरी दिन बिताएंगे, उसके साथ उस पार्टी में अटेंड करेंगे। इसी उम्मीद में वो उनको चीट भी कर लिया गया था, फिर भी उनको कोई हैरानी नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं हुई। और फ्रेंड्स कहानी यहीं पर ये ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स यह है द डचेस एंड द ज्वेलर्स का
शॉर्ट स्टोरी जो मैंने कोशिश की आपको समझाने की और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, कोई भी कन्फ्यूजन इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में चल रहे हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।